বেলগাছিয়ার মুসলিম হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এর পরিচালনায় ছিল ইকরা এডুকেশনাল গ্রুপ। এখানে উপস্থিত ছিলেন ইকরা এডুকেশনাল গ্রুপের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন এবং সেক্রেটারি নাসিম আহমেদ। এই অনুষ্ঠানের বিষয়গুলি ছিল বসে আঁকা প্রতিযোগিতা, অঙ্ক প্রতিযোগিতা, যুক্তিতর্ক, গজল, কুইজ প্রতিযোগিতা। এই অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেখ গুলাম রব্বানী, অল ইন্ডিয়া উলমা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। এখানে ওনাকে সোশ্যাল ওয়ার্কার অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শরীফ খান স্যার। অতিথি হিসাবে আরও উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ নাজির, বেলঘরিয়া উর্দু হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, এছাড়াও নুদত পারভিন, সমাজসেবী জাহিদা পারভিন। এছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন ডক্টর আবু বরকত জালানি এবং ইস্তায়েক হক আহমেদ জালানি। দেখি ইয়ে প্রোগ্রাম ইহা বেলগাছিয়া কে সরজমিন পে আজ একরা স্কুল কে ইসে কিয়া গিয়া হ্যায় আর মে ইহা পে জি মনে উনহোনে যে আওয়াজ দি মে ইহা আয়া হু মে যে দেখা ইহা পে বচ্চে বচ্চো কে অন্দর মে এক ট্যালেন্ট জো উভর কে আ রহা হ্যায় উসকো আজ হাম লোগো কো বহুত বড়ি জিম্মেদারি হ্যায় জো হাম লোগো কা জিম্মেদারি বনতা হ্যায় কি উসকো ক্যাসে আগে বড়ায়া যায় ক্যাসে উন লোগো কা হিম্মত আফজাই কিয়া যায় তো মে ইনকে সাথ মে হামেশা রহুঙ্গা পহলে ভি থা আবি ভি হু হামেশা রহুঙ্গা লেকিন জো ইহা বচ্চা কে অন্দর ট্যালেন্ট হ্যায় আজ ইহা পে মে এক নয়া আবুল কালাম আজাদ আজ মে ইহা এক নয়া সানিয়া মির্জা আর মে ইহা এক নয়া আজহারউদ্দিন মে দেখ কে যা রহা হু লেকিন ইনশাআল্লাহ তাআলা রহমান আপ দেখেঙ্গে বেলগাছিয়া কে সরজমিন সে এক নয়া নয়া লিডার এক নয়া তরহ কা এক ইহা পে এক ট্যালেন্ট জো মে দেখ কে যা রহা হু ইয়ে কাবিল তারিফ হ্যায় এক আচ্ছা সে আচ্ছা লিডার ইহা সে প্রোডিউস হো সকতা হ্যায় আর মেরি মেরি শুভকামনায় মেরি বেস্ট উইশেস ইনকে সাথ হমেশা হ্যায় মে উনকে সাথ মুঝে কভি ভি আওয়াজ দেঙ্গে মে হমেশা উনকে সাথ রহুঙ্গা কিসি ভি তরহ কা সাপোর্ট অল ইন্ডিয়া উলমা বোর্ড কি তরফ সে ইন লোগো কো লাগেগা তো হমেশা মে উনকে সাথ রহুঙ্গা। দেখি ইসকে লিয়ে তো হর অর্গানাইজেশন নে আপনি তরফ সে মেমোরেন্ডম গভর্নমেন্ট কো দিয়া থা और इसमें ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने भी हम लोगों ने डीसी पोर्ट डिवीज़न में वहाँ मेमोरेंडम दिया था जो ये सब ऑर्गेनाइजेशन का एक जॉइंटली एक मेहनत है जो आज कामयाबी के सूरत में सामने आया है हम लोगों का और इसका पूरा पूरा श्रेय और पूरा कामयाबी का जो ताज जो है वो मैडम ममता बनर्जी के सर पर जाना चाहिए और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सभी स्टेट के प्रेसिडेंट्स सभी स्टेट के गवर्नर्स और सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स से कि आप मॉब लिंचिंग के ऊपर में इसी तरह का बिल पास करें ताकि जो कानून का डर जो दिल में होना चाहिए आज हम लोग रास्ते पे सिग्नल नहीं तोड़ते हैं क्यों कानून का डर रहता है हम लोगों के अंदर में आज हम लोग किसी के ऊपर हाथ उठाने से हम लोग डरते हैं क्यों हम लोग कानून का डर है लेकिन ये मॉब लिंचिंग का डर अब दिल में आना चाहिए और उसमें सख्त से सख्त कानून को रूल में लाना चाहिए लॉ बुक में लाना चाहिए ताकि जो डर कानून का डर हमेशा बना रहे और मैं ये हर स्टेट के सीएम से रिक्वेस्ट करूँगा इसी तरह का बिल पास करें और रिसेंटली जो एक अभी दिल्ली में जो मॉब लिंच किया गया है हमारे एक भाई को कारी कईस को तो ये बहुत ही दुख की बात है जो इतना मॉब लिंचिंग के होने के बावजूद भी ऐसा किया जा रहा है तो मैं ये मैं जो आप पार्टी के जो सीएम हैं जनाब क्या नाम उनका आप पार्टी के सीएम जो हैं ना ना दिल्ली के जो सीएम हैं हाँ हाँ तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा अरविंद केजरीवाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी इसी तरह का बिल पास करें ताकि और सख्त से सख्त सजा दी जाए जो मॉब लिंचिंग किया गया है वहाँ पर दिल्ली में तो इसका पूरा पूरा श्रेय मैडम ममता बनर्जी को जाता है और जो हमेशा हम लोग कहते हुए आए हैं कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो ये आज भी प्रूव हुआ है तो ये मॉब लिंचिंग का जो बिल सबसे पहले बंगाल में पास हुआ है अब हम लोग जो है नेक्स्ट हर स्टेट में पास होगा तो ये ऑब्वियस बात है कि जो व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो ये आज भी सही और सच बात है। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेलगाछिया के हम लोग काशीपुर बेलगाछिया में और सारा कोई भी काम होता है तो हम लोग सारे लोग मिलके प्लान करते हैं कैसे किया जाए और हम लोगों को यहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेलगाछिया बहुत अवेयरनेस हो गया है और एजुकेशन का मामला में आज गुलाम भाई भी आए आके इनके बहुत ये खुश हुए हैं खुश इस बात से हुए हैं कि इतनी अच्छे इतने लोग हैं इतने बच्चे हैं इनके अंदर में इतनी कम उम्र में इतनी टैलेंट है तो बेशक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग एजुकेटेड लोग और सोशल वर्क जो भी करते हैं वो टाइम दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिजल्ट दिख रहा है और आगे भी दिखेगा और अच्छा होगा। देखिए मैसेज मेरा हमेशा यही रहता है कि अगर आपको अपने आप को मजबूत करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छा काम करना पड़ेगा और जैसे कि रब्बानी भाई हर तरह से पूरे इंडिया में इनका ब्रांचेस है ये काम कर रहे हैं तो उसी तरह हम लोग भी जुड़ के एक साथ सबको हेल्प करें और आगे बढ़ें यही मेरी मैसेज है। मेरा नाम शारिक खान और मैं सियासत भी करता हूँ और सोशल वर्क भी करता हूँ।